यह मुंडा नारियल है, देख लो भाई साइज से इसको दिखा दो। ये मुंडा, इसका आकार बहुत लंबा है, अद्भुत है ये नारियल। ये बिल्कुल लंबा है, इसमें यार किसी तरह का कोई एंटीना नहीं लगा। जैसे कि हमारे वीडियो, पिछले वीडियो के नारियल में एंटीना लगा था, वैसा इसमें नहीं है, ये बिना एंटीना वाला। लेकिन काम 5G से भी ज़्यादा करता है ये। तो हम आपको दिखाते हैं इसी टेक्निक से, आज इसी नारियल से पानी जांच कर। तो ये किसान का खेत है, हम पीछे से आते हैं उसके मेड से, फिर दिखाते हैं कि कहाँ पर पानी है कि नहीं है। ये है, ये शुरुआत है, मेड़ है। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, कहाँ पर पानी है वो ये नारियल खड़ा हो जाएगा ऐसा। ये बिल्कुल ऐसा ऐसा करेगा, जहाँ पर पानी रहेगा, नहीं रहेगा तो ऐसे ही रहेगा ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही रखना है, इसमें कोई कंपन उम्पन अपनी तरफ से, हार्ट एंड माइंड से कोई इसमें कोई प्रभाव नहीं डालना है, बिल्कुल इसको न्यूट्रल रखना है। तो चलिए ये ऐसा रख दिए। अब चलते हैं, यहाँ पर नहीं है पानी, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पानी रहेगा वहाँ पर, बिल्कुल नारियल खिलना शुरू हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा वो। धीरे धीरे चलना है, यहाँ पर पानी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल ड्राई है ये। यहाँ पर चाहे आप 1000 फीट खोदो, 1200 1500 जितना भी खोदना है खोद लो, पानी नहीं निकलेगा। जिसका ज़मीन में धरती के ऊपर हिस्से में पहाड़ आता है ऊंचा ऊंचा, वहाँ कुछ नहीं रहता, बस वैसी है। ये नीचे में भी उसी तरह सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ बोर नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा भी पानी नहीं है, इसीलिए इस एरिया में करीब 150 एकड़ है, इस एरिया में ज़मीन ऐसा है जहाँ सैकड़ों बोर फैल हो चुके हैं, पानी निकला ही नहीं है उसमें, बिल्कुल धूल उड़ता है, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा धूल उड़ता है। अभी इस खेत के कुछ दूर में, भाई 2-4 खेत के बाजू में, एक किसान ने 1000 फीट का गहरा बोर करवाया, उसमें पानी नहीं निकला। तो भाई ये वो जो स्ट्रक्चर है इसी तरह से, वहाँ पर पानी नहीं निकला। तो वहाँ पर क्या होता है, पानी नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो नहीं पकड़ पाए उसके जांच करने वाले ने। जिस तरह पहाड़ के ऊंचे हिस्से में कुछ नीचा हिस्सा भी ऐसा रहता है कि उसमें ढाल रहता है, खाई रहता है, पहाड़ में भी खाई रहता है और खाई से होकर पानी गुजरती है। तो हमें उसी खाई को पकड़ना है कि ये खाई कहाँ पर है, और खाई में जैसे कि पानी रहेगा तो इसमें पकड़ में आ जाएगा। भाई पहाड़ है, ऊंचा ही ऊंचा नहीं रहेगा सब जगह, उसमें भी एक डीप एरिया रहता है, गहरा रहता है, तो हमें उसी को पकड़ना है। तो वहाँ जहाँ पकड़ लिए समझ लो कि पानी हमें मिल गया। तो यहाँ तक नहीं, हम आधे से भी ज़्यादा खेत में घूम चुके हैं, अब तक आगे बढ़ गए हैं, लेकिन पानी नहीं है। देखो बिल्कुल कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें हल डोल नहीं है, तो उसको मैं ही ला रहा हूँ, तो है देखो ये, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, बिल्कुल ये मुर्दा की तरह है, इसमें कुछ नहीं है यार, बिल्कुल देख लो भाई, कुछ हलचल नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल अच्छा नारियल है, परफेक्ट नारियल है, लेकिन किसी तरह की इसमें कोई गतिविधि नहीं हो रही है। देख लो बिल्कुल ड्राई है, इसीलिए यहाँ बहुत से नामी गिनामी पानी जांच करने वाले फैल हो गए हैं। अब देखो मेरा नंबर है, मैं फैल होता हूँ, पास होता हूँ, अगर पानी मिल गया तो पास हो जाऊँगा, नहीं मिलेगा तो मैं बता दूँगा यार पानी नहीं। लेकिन कुछ पानी जांच करने वाले आ गए हैं तो 1000-2000 पैसा लूट के जाते हैं, यहाँ पानी है वहाँ पानी, बता देते हैं यार मेरा वैसा आ जाते हैं, पानी है तो बता दो, नहीं है तो बता दो, कुछ नहीं है। हर लोगों को पता है यार, मैं यूट्यूब से लाखों रुपया कमाता हूँ पर मंथ, मुझे ज़बरदस्ती नहीं है उसको हाँ कह देने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नुकसान किसान का होगा और मैं कभी किसान का नुकसान होते नहीं देखता, क्योंकि मैं भी किसान पुत्र हूँ। देखो यहाँ तक कुछ नहीं है, हम इस किसान के एक बड़ा एरिया को पार कर गए हैं, यहाँ तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक हम इस किसान के खेत के अंतिम छोर पे हैं, अंतिम छोर पर हैं, इधर आ जाओ भाई ऊपर, अंतिम छोर पर हैं, इधर कुछ हलचल है, इधर हलचल है, ये पैर देख लो इधर, ये नीचे, ये देखो, देखना भाई ये देखना पैर, ये मैं हटा रहा हूँ देखना, और ये जैसा रखूँगा ये नारियल भी दिखा दे यार, थोड़ा दूर से दोनों को दिखा देना यार, ये देखो, ये देखो। अब जैसे कि वो क्या है ना, रामायण का सीरियल चल रहा था तो अंगद जी ने पैर रखा ना रावण के सामने, उसी तरह मैं भी रखा हूँ, देखना देखना, ये उड़ गया, ये भाई हटा दिया, ये रख दिया, ये देख लो भाई,
पैर को ये दिखा दे भाई, ये हटा दिया, अब पैर को रखता हूँ, देखना ये फिर इधर, ये तो ये पानी किधर तक है देखना है, ये और ये पानी कहाँ, वो भी जांच करते हैं, ये इधर पानी है भाई, अब इधर, अरे नहीं है तो कहाँ से उठेगा यार, अच्छा नहीं है, पानी किधर है, इधर है, इधर इधर, तो पानी किधर है, इधर, यहाँ पर रखोगे तो उठेगा, देखो ये ऑटोमेटिक, इसमें किसी तरह की कोई मैं गतिविधि नहीं कर रहा हूँ, देखना ये पैर है, पटक रहा हूँ यार, नहीं उठ रहा, देखो जोर जोर से पटक रहा हूँ, नहीं उठ रहा, अब पानी जहाँ वहाँ पर, ये ऑटोमेटिक, पटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, देखना ये हाथ को भी देख लो यार, कई लोग कमेंट करते हैं, देखो ये देख लो, ये पानी, ये देख लो, फिर हटा दिया, ये रख लो, मैं बार बार रिपीट करके दिखाता हूँ यार उसी को, क्योंकि किसान के समझ में आना चाहिए, किसान खुद प्रैक्टिकल करके देख ले कहाँ पर पानी है, दिखा देते हैं भाई, ये पानी है यहाँ पर, ये पानी है, अब रही की बात इस पेड़ में, देखो ये इस हिस्से में है, इस हिस्से में है, क्या इस हिस्से में भी है पानी, यहाँ पर नहीं है, देखो यहाँ पर हल्का, यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे जैसे इसमें जा रहा है, तो पानी जो है इस एरिया में, देखो भाई ये देखो हटा दिया, ये और इसको देखो, यहाँ पर कुछ नहीं, इधर इधर कुछ नहीं है, हल्का हल्का कंपन है, ज़्यादा नहीं है, पानी इधर है, देखो ये तो पानी हमारा इधर है, इधर से ऐसे ही पानी, और वो जो पानी है, वो जो पानी देखना, ये इस वाले हिस्से में जा रही है भाई, देखो ये तो पानी इस पेड़ से होकर गुजरी है, तो हमें इस साइड आना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, कि पानी कहाँ पर गई थी, इधर से आ जाओ भाई, इधर से, दरअसल कैमरामैन को उधर जाने में दिक्कत होगी, तो इधर से आ जाओ भाई, इधर से आ जाओ, इधर से मैं उधर से चला जाता हूँ, देखो ये जो पेड़ अर्जुन का पेड़ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इस हिस्से में है, इस हिस्से में है, देखो ये जैसा हाथ इधर रख रहा हूँ, मैं चढ़ जाता हूँ, यहाँ पर है पानी, इधर है भाई, देख इधर 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 हटा दिया, पानी इधर है, अब देखना ये यहाँ पर है पानी, यहाँ पर है, यहाँ पर है पानी, पानी इधर है, इधर इधर है पानी, ये देखो ये बांस का पेड़ है, ये सांप ही रहता है बांस के पेड़ में, ऊपर देखते नहीं, बढ़ रहा रहेगा तो लोग खा देगा, खैर अपना तो बीबी ना बच्चा आगे ना पीछे, टेंशन नहीं है, चलो आप उधर से आ जाओ भाई, मैं इधर से आ जाता हूँ, इधर चलो आने दो भाई कैमरा मैन को, ये बांस का पेड़ है, यहाँ देखते हैं किधर है पानी, हाँ यहाँ ये बांस का पेड़ है, उधर से होकर गई है, और ये पानी किधर है ये भी दिखा देते हैं, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, उंगली को देखते रहना, कोई मंत्र जंतर नहीं पढ़ रहा हूँ, देखना ये प्रैक्टिकल कर लेना यार घर में, करत करत का ब्यास वाला सब हो जाएगा, देखना ये देख लो भाई, देख लो, तो ये जो किसान का खेत का सीमा उधर है, ये जो हम खड़े हैं दूसरे किसान का है, लेकिन हमें पानी जांच करना है तो उसकी धार को पकड़ना है, तो पूरा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, कहाँ से कहाँ ये है, तो ये देख लो भाई, ये इधर पानी है, किसान के खेत में पानी है उधर किनारे में है एकदम, लेकिन पानी ज़्यादा पानी दूसरे किसान के खेत में है, यहाँ से कट रही है धार, इधर आ गई है, मतलब वो धार उधर से आई है लेकिन सामने नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक है, देखो ये बिल्कुल ब्लॉक, आमतौर पर पानी जांच करने वाले क्या बता देंगे, वहाँ से शुरू कर देंगे, भैया उधर लंबा निकला बता देगा, एक किलोमीटर लंबा बता देगा, लेकिन वस्तु स्थिति अलग होती है, देखो पानी यहाँ तक है, देखो ये पानी यहाँ तक है, लेकिन पिछले कदम में नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, तो यहाँ पर पानी आकर एक इधर बढ़ गई है, देखो ये धार है, ये धार कंट्रोल नहीं होती इधर, अब इधर धार जो है इधर इसका यहाँ पर उसे आई है, तो ये हाँ इस दिशा में कट गई, धार उधर से आई दो दिशा में कट गई है ये, या इसका एक दूसरा एंगल से भी देखते हैं कि धार उधर से इधर लंबा आई अब इधर कट गई, इसकी पहचान कैसे करेंगे, हम चूना लगा कर करते हैं या फिर इसको मोटाई नाप कर करते हैं, तो ये दूसरे का खेत है यहाँ पर नहीं नापेंगे अपन, कोई मतलब नहीं है, तो हम अपने उसी वाले एंगल में चलते हैं फिलहाल, कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, हम उसकी लहरा को देखकर जान जाएंगे कि क्या है, यहाँ पर पानी है क्योंकि ये इस पैर में है, इस पैर में नहीं है, इस पैर में पानी है, देखो तो फिर हम अर्जुन के पेड़ के पास चलते हैं, चलो भाई इधर पानी नहीं है, देखो पेड़ ही है, इतना थोड़ा सा फासला है लेकिन इधर नहीं है, और किसान ने कभी इधर प्रयास भी नहीं किया होगा कि नहीं होगा, दूसरे के सीमा में जा रहा है,
अब कभी बताया अभी नहीं किधर पानी है कतर। तो चलो हम नाप कर दिखाते हैं। ये पानी वाले एरिया में आ गए यार। ये देखो ये वही पेड़ है अर्जुन का, यहीं पर पानी है। देखो ये देखना हम इसको दिखाते हैं भाई। देखो फिर से दिखाते हैं, हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है यार, लेकिन आप लोग देखते हो पूरा हो ये बहुत अच्छी बात है। देखना ये पैर, ये खड़े होते नहीं बन रहे भाई। देखना ये पैर है, मैं जहाँ पैर नीचे पैर है वहाँ पानी नहीं है। और देखना इस पैर को मैं जैसे टच करूँगा नारियल खड़ा हो गया। देखो ये देख लो। तो जैसे पानी की धार में जाएगा उसी, ये देखो बिल्कुल नारियल खड़े हो गया। ये हटा दिया, ये उंगली कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, हाथ को देख लेना। ये ऑटोमेटिक। तो हमें इस दिशा में देखना है कि पानी कहाँ पर है, यहाँ पर खड़े वहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें किसान के सीमा में करना है वो। तो पानी यहाँ पर भी नहीं है, पानी यहाँ पर है। पानी तो है लेकिन यहाँ पर 3 HP के लायक पानी है। इसको हम देखते हैं नाप कर कि कितना वस्तु स्थिति क्या है। ये चूना को रख लेना भाई, झिल्ली फट गई है। देखते हैं, बैठ जाओ भाई कैमरा मैन। यहाँ पर ये देख लो भाई, कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर पानी है, यहाँ तक नहीं है। ये जो चना का पौधा है, ये वाला पौधा चना का, यहाँ पर पानी है। देखते रहो ये इधर कर रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। ये पौधे में जा रहा है, जैसा ये जड़ में पानी आ गया है। देखो ये इधर भी है पानी। तो पानी इधर इसी साइड होते होते निकल गई है। अब इधर आकर देखते हैं क्या कुछ। आप इधर आ जाना भाई, इधर आ जाना। इधर फिर बैठ जाते हैं। ये देख रहा भाई, ये यहाँ पर पानी नहीं है। इस वाले पौधे में पानी है और इधर क्या है, इस वाले पौधे में पानी नहीं है। तो कहाँ पर है देखते हैं। ये पानी है, ये इसको यहाँ पर रख देते हैं। इसको ये चलो पहचान के तौर पर यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर पानी देखो कितनी, 4 इंच, 4 अंगुल, ये 4 अंगुल, 8 अंगुल है पानी यहाँ पर, 8 अंगुल है। लेकिन पानी की गहराई ज़्यादा नहीं है, इसकी चौड़ाई है, ऐसा पतला परत है इसका। अगर ये मोटी परत होती ना तो ये मेरे हाथों में कम से कम 5-7 किलो का वजन दिख दे जाता है। ये नारियल इतनी वजन हो जाती है पूरा, हाँ जैसे कि 5 लोग मिलकर नीचे बैठा रहे हैं, खींच रहे, ऐसा दर्द होता। लेकिन इसमें है वजन ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो ये पानी फैली हुई पानी है, ये देखो ये खेल रहा है ज़्यादा, ये तो ये फैली हुई पानी है। तो इसमें आराम से 3 HP का पानी चल जाएगा। हालांकि 8 अंगूर है मतलब लगभग 6-7 इंच है, लेकिन उसकी गहराई जो है ना, गहराई भी होना चाहिए। तो प्रेशर होता है, तो गहराई नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसमें चौड़ाई है। तो ये आराम से 3 HP का मोटर चल जाएगा। और ये बात कितनी गहराई पे निकलेगा, ये यहाँ पर जिस हिसाब से लोड ले रहा है ये, तो इस हिसाब से 700-750 फीट में ये पानी निकल जाएगा। ये परफेक्ट है। यहाँ पर किसान भाई सामने बैठे हैं, देख रहे हैं, उसको पूरा भरोसा है सौरी भाई के ऊपर, क्योंकि सौरी भाई का बोर आज तक कभी फल हुआ ही नहीं है और आगे होगा भी नहीं। यार अपने को ठग जग का काम नहीं करना है, YouTube अपने लिए जिंदाबाद है। पैसा कमाना है तो YouTube है यार। आप लोग भी चैनल बना लेना, अच्छे अच्छे वीडियो बनाना, लेकिन यार ज़बरदस्ती का लूट खसोट मत करना। तो चलिए ये हो गया भाई। किसी तरह से कोई डाउट हो या आपको कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल सौरी भाई आधा रात को आपको फ़ोन उठाएगा, कोई टेंशन मत लेना। जब अभी सौरी भाई ज़िंदा है तो यार आप लोग ना मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर पर, ये 24 घंटा उपलब्ध रहता है। मेरा मोबाइल नंबर है 7000716599। तो सौरी भाई को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय जोहार।